अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करती हूँ आयशा मनहा व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक ऐसे ही आपको हमेशा खुश आबाद रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज हम आए हैं बहुत बड़ी मार्केट में, तो हम लोगों ने सोचा कि हमारे जो व्लॉग्स हैं वो बहुत लेंथी हो रहे थे, तो हम लोगों ने यही जो पार्ट में मैं इंशाल्लाह जितने भी पार्ट्स छोटे छोटे बना कर ये सारी मार्केट्स जो हैं वो आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। पहले हम लोग दूसरी मार्केट में थे, कपड़े वाली मार्केट में थे, और इसके बाद हम लोग आए हैं यहाँ पर बैग्स की मार्केट में। ये प्योर बैग्स की मार्केट है, और अगर बाहर वाली शॉप्स का देखा जाए तो बाहर वाली शॉप्स में ये वाले जो बैग्स हैं ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कि जो अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड ने बाय की, मैं उसके साथ ही सेम वही चीज़ वो वाला उसने बैग जो 79 RMB में परचेज़ किया था, जो तकरीबन 2400-2500 पाकिस्तानी बनता है, और अभी वही वाला सेम बैग जो था वो मैंने पता किया तो उसने 18 RMB बताया, पाकिस्तानी तकरीबन 600 का बनता है। अब आप वो डिफरेंस करें कि बाहर से अगर हम लोग बैग परचेज़ करते हैं वो कितने एक्सपेंसिव है, यहाँ पे होलसेल की मार्केट में कितने चीप प्राइस हैं। ये तकरीबन बैग मैंने बाहर से पता किया 200 RMB तक है, 150-200 RMB। अब ये इनसे पूछती हूँ ये वाला जो है ये वाला कितने का देते हैं। ये 35 RMB का है, अगर यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो बहुत सस्ता है। मैंने जितने भी बाय किए हुए हैं मैम ने बहुत एक्सपेंसिव किए हैं, तो मुझे ये फील हो रहा है कि मुझे पहले यहाँ से आके सिंगल सिंगल पीस जो है वो बाय कर लेने चाहिए थे। बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज मुझे एक, विकास आपको कौन सा पसंद है? मुझे कोई प्लीज एक प्लीज। वाह ये वाला ओके ओके नॉट एक्सपेंसिव। ये बैग जो है ये बड़ा खूबसूरत है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और पाकिस्तान की अगर रेट के हिसाब से बात की जाए 10 पीस जो है ये पाकिस्तानी तकरीबन 900 का एक पीस पड़ेगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा पीस इनसे लेते हैं तो हो सकता है इससे भी कम रेट ये लोग कर दें। ये जो बैग है और ये वाला बैग सिर्फ शेप इनकी जो है ये चेंज है, और मटीरियल इनका सेम है और कढ़ाई भी इनकी सेम है। इन दोनों का रेट जो है वो 75 RMB है, और मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान में भी ये वाला रेट जो है वो बहुत रीज़नेबल है, चाइना के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है, क्योंकि बाहर से ये बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है क्योंकि इसका जो मटेरियल है वो प्योर लेदर में है। ये इसके अंदर एक छोटा बैग है, और इसका साथ ये छोटे ये कीज़ के लिए या फिर सिक्कों के लिए, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये 95 का कह रही, जो पाकिस्तानी तकरीबन 3000-3200 तक की रेंज में बनता है। क्वालिटी और लेदर बहुत अच्छा है इसका। अगर ये इन बैग्स की बात की जाए तो ये पाकिस्तान में जो ओल्ड वुमेंस हैं वो लेती हैं, लेकिन यंग जनरेशन में भी ये चीज़ नॉर्मल है, क्योंकि हर लेडीज़ को जो है ये पाउच चाहिए होता है मोबाइल के लिए, और इसके अंदर इस साइड पे आपका पैसे आ सकते हैं, और ये अगर ज़िप खोली जाए तो ज़िप के अंदर इसके अंदर जो है वो ज़िप के अंदर आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। ये कार्ड्स के लिए अलग जगह बनी हुई है, और इसके साथ ये छोटे से स्टेप भी है, जो लेडीज़ जो हैं जिसमें मैंने ये वाला बैग अपना पहना हुआ है इस तरह ये पहन सकती हैं। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और ये 20 RMB का, पाकिस्तानी तकरीबन 600 का, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत रीज़नेबल है, क्योंकि ये वॉशेबल भी है, वॉश करके आप अगर गंदा भी हो जाता तो यूज़ कर सकते, क्योंकि ये प्योर कह सकते हैं इसे कि ये प्योर लेदर है। रुको मैं आपको खाती हूँ। मैंने इधर से लाया, फिर मामा को बुला रहे थे, वो नहीं आ रहे थे, फिर मैंने वो देखा लाइट है, ये कितनी लाइट है ये देखो। अब मामा के बारी आ गई, शॉप पर आए हैं, तो यहाँ पे हमें जो है ये मेल और फीमेल दोनों की वैरायटीज़ मिली हैं, जैसे कि ये ब्लैक बैग है, और ये जो पाकिस्तान में मोस्टली लड़के वगैरह अपने यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। क्वालिटी देखी जाए तो क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छे हैं, ये पाकिस्तानी तकरीबन 1500 तक का है, और साथ में मेरे पास ये है, ये PU मतलब लैदर टाइप की क्वालिटी है, ये मोबाइल के लिए है, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिल्कुल मुलायम सा है ये, तो ये है तकरीबन 600 का, और इसको ये है कि ये आप बड़ा छोटा करके, जिस तरह मैंने ये अपना एक ये इस तरह बैग पाउच पहना हुआ है ये वैसे पहना जा सकता है, जैसे कि इस तरह ओपन करके ये इस तरह, ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और साथ में ये इसी क्वालिटी का ही
ये वाला बैग है, ये स्मॉल है और ये बिग साइज में है। ये शोल्डर बैग मैंने बताया कि स्पेशल रेन के लिए बनाया गया है, क्योंकि गोंगजू में रेन जो बहुत ज़्यादा होती है। इवन कि इनकी जो जिप है ना, ये भी इन लोगों ने इसके साथ ये कवर की हुई है रेन वाले मटेरियल के साथ, कि इसके अंदर पानी नहीं जा सकता। बुक्स वगैरह जो भी आप इजीली कन्वीनियंटली आप ये बारिश में स्पेशली यूज़ कर सकते हैं। 13, ये भी तकरीबन 1300 का है और ये 1400 से 1500 का है, और ये वाला जो है 600 में। और ये है बैग्स बच्चों के, और इसकी क्वालिटी अगर देखी जाए तो क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है और वॉशेबल हैं ये वाले बैग। ये इनके पास ये नीचे जो है ये सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, ये इन्होंने एज अ सैंपल के तौर पे इसके अंदर ये वो मटेरियल वगैरह डाल के ये रखा हुआ है। ये है तकरीबन पाकिस्तानी 700-800 का एक बैग, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं इस आंटी का जो है ना वो शॉपकीपर का आपको कार्ड भी शेयर करूँगी। ये एक चीज़ मुझे नई नज़र आई है, इसकी स्टाइल वगैरह बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी क्वालिटी और इसका जो लेदर है वो प्योर लेदर लगा हुआ है। स्टाइल भी इसका डिफरेंट है, ये तकरीबन पाकिस्तानी 2000 का है, और इसकी कलर स्कीम ये है, मटेरियल सेम है, ये शेप्स जो है ये चेंज है, बस मटेरियल सेम है। यहाँ कम से कम 30 पीस आपको लेना पड़ेंगे, और 100 युआन का एक पीस है, यानी 3000 के करीब। क्वालिटी का और साथ क्वालिटी भी है, ये हैंड कैरी के लिए यूज़ हो सकता है। पाकिस्तान में इस तरह के सेकंड हैंड जो होते हैं वो 5000-6000 का मिलता है, लेकिन ये न्यू है और बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये ई पाइवो अगर एक लेना तो ये 150 का है तकरीबन, पाकिस्तानी कह लो कि 4500 का रीजनेबल प्राइस है, महंगा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जींस की मार्केट में लेके जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।